ये घटनाएं मानसिकता का परिचायक है, लेकिन सरकार का और न्याय का काम है कि उन घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का शासन उन घटनाओं पर मौन है, मूक है, गूंगा है, बहरा है। दलित समाज पर होने वाला उत्पीड़न, इसकी आवाज समाज में जानी चाहिए, इसकी आवाज संसद में जानी चाहिए, और जिस राज्य में हो रहा है यह आवाज उस राज्य में भी जानी चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय पर रोष प्रदर्शन हो रहा है इंद्र मेघवाल को लेकर। तो अभी सर से जान, दलितों पर और अनुसूचित जाति और जनजातियों पर अत्याचार के आंकड़े को हम नजर डालें, और ये आंकड़े मैं एससी कमीशन के आंकड़ों के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, तो देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार और उत्पीड़न के जो घटनाएं घटी हैं वो राजस्थान में घट रही है। जैसे अभी तुरंत जो घटनाएं घटी है पिछले महीने में, एक छोटे से बच्चे के पानी पीने की घटना पर उसको पीटा गया, और पीटना इतना ज़्यादा पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। दुखद घटना है। एक महिला दिन दहाड़े शिक्षिका थी, स्कूल पढ़ाती थी प्राइमरी में, दलित समाज से थी, पैसों के लेन देन पर उसको जिंदा जला दिया गया। एक व्यक्ति जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानकर, ताकि प्रक्रिया प्रभावित ना हो, सिर्फ मूछ रखने के कारण उस दलित समाज के व्यक्ति को कहा कि ये मूछ तो केवल हमारा समाज रख सकता है, इस मूछ रखने का अधिकार तुमको नहीं है, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। एक सरकारी कर्मचारी बिजली विभाग में काम करता है, वो उसको आदेश मिलता है कि फला फला गांव के अंदर फला फला व्यक्ति ने बिजली का बिल नहीं दिया है या उसको अपनी कार्रवाई किए, वो कार्रवाई करने जाता है तो कांग्रेस का विधायक उसको पीट पीट कर अधमरा करता है, और एक जगह नहीं 14 जगह उसका फ्रैक्चर हो जाता है। जब राजस्थान, और ये भी घटना है कि राजस्थान पर एक से एक ज़्यादा घटना पूरे देश भर में हो रही है, मैं इसको नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन पिछले छः महीनों में जो राजस्थान की घटना हुई है उसमें किसी भी राज्य सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, इसका हमें दुख है। बाकी राज्यों में हुई है तो सरकारों ने शायद कदम उठाए, चाहे वेस्ट बंगाल में हो चाहे हरियाणा में हो। राजस्थान के सीएम कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो हर जगह होती रहती है सर। ये घटनाएं मानसिकता का परिचायक है, लेकिन सरकार का और न्याय का काम है कि उन घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का शासन उन घटनाओं पर मौन है, मूक है, गूंगा है, बहरा है। हो सकता है कि वोटों के दबाव में वो विशेष नहीं, बिल्कुल नाजायज उनका ये वक्तव्य है, और मैं बड़े निष्ठा के साथ बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न के जो मामले पिछले 6 महीनों में साल भर में आया है, अभी मैं लेटेस्ट आंकड़े पढ़ रहा था, 20,834 आंकड़े केवल उत्पीड़न के राजस्थान प्रदेश से है। ये सोचने का और निंदनीय विषय, चिंता का विषय। प्रियंका गांधी हाथरस जाते ये बिल्कुल, यहाँ पर दलितों पर उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी वो अपनी सुविधा के अनुसार आंदोलन करता है, जबकि हमने कहा प्रियंका से आप हाथरस गए जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उनके उसके सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान में भी उनको मार्च करना चाहिए, राजस्थान की घटना पर भी उनको वहां पर संवेदनाएं प्रकट भी नहीं करना चाहिए, और अपने मुख्यमंत्री की मुझे लगता है क्लास लेनी चाहिए कि अपने राज्य के उत्पीड़न को रोका जाए। सर, अभी आपने कहा कि राजस्थान में ही हो रहा है, लेकिन अभी 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 जस्ट 5 घंटे पहले जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में मंदिर के सामने से गुजर रही थी दलित नाबालिग बच्ची, उसको इतना मारा उसकी पसलियां तोड़ दी, तो वहां पे हो रहा है मध्य प्रदेश में, यूपी में हो रहा है, जूते से पानी पिलाया जा रहा है, मटके से ही पानी पीने में यूपी में ही जो है दलित बच्चे को मार दिया, उस घटना पे कोई नहीं बोल रहा है, वहां पे भी तो हो रहे हैं, जबकि वहां। मैडम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैंने ये कहा है कि ये उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है,
लेकिन जहां मैंने वेस्ट बंगाल की भी बात कही है, लेकिन जब वहां घटनाएं होती हैं तो शासन और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है, उनको गिरफ्तार करता है, उनको अरेस्ट करता है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, चाहे वेस्ट। लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान का शासन और प्रशासन आज भी नींद में सोया है। अगर वो एक घटना में कड़ी कार्रवाई कर ले तो आने वाली 10 कार्रवाई, अगर किसी व्यक्ति को, किसी युवा को मूछ रखने पर, उसकी हत्या करने पर हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं होती, तो आप ये मान के चले कि आप इस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य का काम, प्रशासन का काम, शासन का काम अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करना है, लेकिन इस कार्रवाई के मामले में राजस्थान सरकार मौन है, शून्य है, मूक है, गूंगी है और बहरी है। दलित भी आजाद है इस देश में सर? नहीं नहीं, निश्चित तौर पे देखो, भारत के संविधान ने हमको आजादी दी है, मानसिक रूप से अभी भी मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट में आज हमारे मंच पर दलित समाज नहीं बैठा, सर्व समाज बैठा है। सुनील शर्मा जी बैठे हैं, विजेंद्र जी बैठे हैं, जो दलित समाज से नहीं आते हैं, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में समरस भाव हो, और समाज में समरस भाव सब लोगों के मिलकर होगा, लेकिन जो ये कार्रवाई करता है, इस प्रकार की मानसिकता की रखता है, जो दलित समाज इस समाज में समान रूप से जीने का अधिकार नहीं है, इस मानसिकता को रोकने की आवश्यकता है, इन मानसिकता को जगाने की आवश्यकता है। हमारे इस आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय के डूटा के प्रेजिडेंट अजय भागी जी का आशीर्वाद है। वो दलित समाज 2014 के बाद ज्यादा बेबाक छुआछूत की घटनाएं बढ़ी है? नहीं नहीं, ये आपका कहना होगा, मानना होगा, लेकिन मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ, और हमें ये यूनिवर्सिटी में काम करते हुए इन विषयों पर चर्चा हुई, राजस्थान की घटना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लगातार 4 घटनाएं हुई है पिछले महीने से अब तक की। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं भी राजस्थान से जुड़ा हूं, राजस्थान के बहुत सारे प्राध्यापक जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की घटना में राजस्थान के विपक्ष कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन हमें दिल्ली में राजस्थान के होने के नाते, राजस्थान के प्राध्यापक होने के नाते, शोध छात्र होने के नाते, हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम राजस्थान में हुई घटनाओं का विरोध करें। उसी घटनाओं को लेकर हम आज उपस्थित हैं, लेकिन देखो मुआवजे की हम हर जगह, चाहे वो SC कमीशन का विषय हो, चाहे राज्य सरकार, निश्चित तौर पर भेदभाव भी नजर आता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कानून में जो व्यवस्था है उस प्रकार से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी घटनाओं पे कमीशन भी नजर नहीं आता। कमीशन में मैंने कहा कि एक अकेले राजस्थान से 20,834 शिकायतें हैं, 20,834, और अलग अलग प्रदेशों की बात करेंगे तो वो लाखों में है, और एक संविधान कुल मिलाकर आपकी जा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, कमीशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसकी शक्ति एक निर्देशात्मक है। आपको मैं जानकारी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है और उन्होंने संज्ञान भी लिया है और उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई है, ये मेरी जानकारी में है। मैं उसको तथ्य से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जब फोन पर उनसे बात की, इस धरने के उपरांत हम सभी आयोगों से मिलना चाहेंगे, मिलेंगे, और मिलने के बाद उनका पूरा लेखा जोखा उनसे लेंगे भी और उनसे मांगेंगे भी। आपको नहीं लगता SC कमीशन का काम ट्रांसफर पोस्टिंग बचा बस, और कुछ काम नहीं बचा उसके लिए? नहीं, मैं इसमें नहीं कहूंगा, ये कुछ व्यक्तियों का विषय हो सकता है, लेकिन अनुसूचित वेस्ट बंगाल, मुझे मालूम है कि वेस्ट बंगाल के अंदर मैं जब इस मुद्दे को लेकर गया, जब चुनाव के बाद, वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद जब वहां पर अत्याचार की घटना हुई, तो हमने विजय सांपला जी से कहा कि सांपला जी, दिल्ली में बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, और वो वेस्ट बंगाल गए। मिर्चपुर कांड वाले जो पीड़ितों ने अभी भी न्याय नहीं मिला है? मिर्चपुर की घटना जो है वो आज से कई वर्ष पूर्व है, लेकिन वो भी संघर्ष था, उस संघर्ष में मैं जुड़ा हूँ, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। वो हरियाणा सरकार को कई बार, आपकी जानकारी के लिए, हरियाणा, क्योंकि SC कमीशन को मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं वो एक संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था के निर्णय को राज्य सरकार इंप्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देती है तो उस डायरेक्शन को राज्य सरकार इंप्लीमेंट करती है, उस सरकार को इंप्लीमेंट करती है, तो मेरा ये मानना है ये संवैधानिक संस्था होने के नाते उनका
डायरेक्शन देने का काम है, वो डायरेक्शन उचित दिशा में देते भी हैं, करते भी हैं। वेस्ट बंगाल भी वो गए, त्रिपुरा भी वो गए, उनकी टीम गई, राजस्थान भी उनकी टीम जाने वाली है, जा रही है, ऐसी मेरी जानकारी। तमाम लोग कह रहे हैं कि मटका था ही नहीं स्कूल में सर। ये देखो, ये विवाद का विषय, ये वहाँ के प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई का विषय है कि वह उसकी जांच करे और तथ्यों के साथ जांच करे और दोषी को सजा। मटका हुआ या नहीं हुआ ये हमारा विषय नहीं है, मटका था या नहीं था ये विषय नहीं है। अगर किसी बच्चे की मृत्यु हुई है वो निंदनीय है और दंडनीय है, चाहे वो मटके का कारण हुई हो, चाहे मटके का पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री जी का भी कोई बयान नहीं आया इस पे स्पष्ट। देखो, मेरा ये कहना है कि हर विषय में प्रधानमंत्री से आप मांग करना मुझे लगता उचित नहीं है, समाज से मांग आनी चाहिए। आज ये मांग समाज की मांग है और जब समाज की मांग आती है तो राजनीतिक नेतृत्व और कह सकते हैं राजनीतिक नेतृत्व झुकता भी है और अपनी मांग बदलता भी है। नहीं, विश्वगुरु निश्चित तौर पर, मैं विश्वगुरु के लिए मैं इसलिए ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हूँ, ये तो आप सरकार से पूछे। लेकिन जब जब सामाजिक असमानता है, उत्पीड़न ये समाप्त होगा, निश्चित तौर पर हम विश्वगुरु की तरफ दिशा बढ़ेंगे। ये सरकार से प्रश्न करें। कन्हैया लाल को 50 लाख मिल जाता है मुआवजा और वही इंद्र मेघवाल के लिए 5 लाख, तो ये डिफरेंस क्यों, ये अंतर क्यों? आप ये देखो, ये तो आप राज्य सरकार से पूछे, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा विषय नहीं है। मैं दलित समाज के उत्पीड़न की आवाज़ को उठा रहा हूँ। मुआवजा कम मिला या ज़्यादा मिला, आप वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछे, वहाँ के लोगों से, वहाँ के संवैधानिक संस्थाओं से पूछे, वहाँ के विधायक से पूछे, वहाँ के MP से पूछे, वहाँ के MLA से पूछे, क्योंकि वो राशि वहाँ के स्थानीय विधायक ने दी, वहाँ के सांसद ने दी, वहाँ की राज्य सरकार ने दी, मैं उसके लिए नहीं हूँ। लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में, उसने भी इतना बड़ा कोई मांग लिया। सर, आप ये बात बीजेपी से, राजस्थान से करें ना, मुझसे क्यों, मुझसे तो आप शिक्षक होने के नाते बात करें कि हम ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि ये आवाज़ दिल्ली से संसद, संसद से जयपुर तक। मामला 20 जुलाई का है और बड़ी लेट आवाज उठा रहे हैं, न्यूयॉर्क में जब आवाज उठ गई तब आप आवाज उठाने आए। नहीं नहीं, देखो आप ये कहेंगे कि 10 दिन बाद क्यों उठाई, 2 दिन बाद क्यों उठाई। आपकी जानकारी के लिए 15 अगस्त से पहले हमें प्रशासन से परमिशन नहीं मिली थी, उन्होंने एक सुरक्षा कारणों से कहा कि हमारे पास, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं और हम संविधान का पालन करते हैं, विश्वविद्यालय से संघर्ष नहीं चाहते। विश्वविद्यालय ने कहा कि आप 15 अगस्त के बाद आप करेंगे तो हमारे लिए सुविधा होगी। हमने विश्वविद्यालय की बात को माना। डॉक्टर ने कहा कि आप 15 अगस्त के बाद करें, 15 अगस्त के बाद जन्माष्टमी का पर्व आ गया, छुट्टियां आ गई, तो जन्माष्टमी के पर्व के तुरंत बाद हम एकदम सोमवार से हमने निर्णय लिया और सोमवार को निर्णय हुआ और हम बुधवार को इस धरने पर बैठ गए। हमारी एक ही उद्देश्य है, दलित समाज पर होने वाला उत्पीड़न, इसकी आवाज़ समाज में जानी चाहिए, इसकी आवाज़ संसद में जानी चाहिए और जिस राज्य में हो रहा है यह आवाज़ उस राज्य में भी जानी चाहिए। तो अब सर क्या कुछ करेंगे लास्ट में, अभी यहाँ पे अभी हमारा अगला जो कदम है, अभी हम विभिन्न आयोगों में जाएंगे, हम SC आयोग में जाएंगे, हम अनुसूचित जनजाति आयोग में जाएंगे, हम राष्ट्रपति महोदया महामहिम से भी मिलने का प्रयास करेंगे, हम राजस्थान के गवर्नर से भी मिलने का प्रयास करेंगे और जब ये इतनी जगह से जब आवाज़ जाती है तो निश्चित तौर पे स्थानीय सरकार, राज्य सरकार चिंतित भी होती है, उस पर एक्शन लेने के लिए जवाबदेही बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थे एक शिक्षक जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसी अत्याचार के चलते इनको जो है परमिशन नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने कारण भी बताया कि परमिशन क्यों नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो है उन्हें आज परमिशन मिली तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय पे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आक्रोश का प्रदर्शन जारी है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो संसद मार्ग हो, चाहे वो कहीं पे भी रोड हो, कहीं पर भी लगातार इस प्रदर्शन को जो है अंजाम दिया जा रहा है। लगातार मेघवाल के लिए आवाजें उठ रही हैं और उसके साथ ही जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर लगातार अत्याचार होते ही रहते हैं और लगातार इस घटना के बाद भी जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी लोग बोल रहे हैं और उसका भी लगातार जो है खुलासा किया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।